तो भाई लोग, मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं टोटल रेसलिंग यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे पांच ऐसे WWE के सुपरस्टार जो रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में दखल दे सकता है, जो कि समर स्लैम में होने वाला है, जो कि एक लास्ट बार स्टैंडिंग मैच होगा। और WWE वाले इसे लास्ट टाइम मैच के नाम से भी हाइप कर रहे हैं, क्योंकि WWE वाले कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच लास्ट मैच होने वाला है, इसके बाद ये कभी नहीं लड़ेंगे। तो भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच लास्ट मैच होगा, क्योंकि यार बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो भाई लोग, जो पांचवे नंबर पर सुपरस्टार है जो कि इंटरफेयर कर सकता है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में, उनका नाम है दी उसो, जो कि रोमन रेंज के भाई हैं, जो कि ब्लड लाइन का भी हिस्सा है, जो कि रोमन रेंज के हर बड़े मैचों में उनकी मदद करता है और उन्हें टाइटल रिटेन करवाता है। तो रोमन रेंज ही मदद ले सकते हैं और यह मैच जीत सकते हैं, जिससे एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच भी है कि कोई भी आके दखलंदाजी कर सकता है। तो भाई लोग, जो नंबर चार पर सुपरस्टार है जो इस मैच में दखलंदाजी कर सकता है, तो भाई लोग वो है सेमी जेन। तो भाई लोग, सेमी जेन, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं अपने आपको ब्लड लाइन का पार्ट बताते हैं, लेकिन रोमन रेंज उन्हें अनुमति नहीं देते कि मैं ब्लड लाइन में आ जाए। तो भाई लोग, सेमी जेन इस मैच में दखलंदाजी कर सकते हैं और बीस्ट पर हमला कर रोमन रेंज को यह मैच जितवा सकते हैं, जिससे रोमन रेंज उनसे खुश होकर उन्हें अपनी टीम में भी ले सकते हैं। तो भाई लोग, अब चलते हैं नंबर तीन की ओर, जो कि इस मैच में इंटरफेयर कर सकता है। तो भाई लोग, पॉल हेमन भी इस मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं, जिससे मैं रोमन रेंज का साथ दे सकते हैं और ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप हरवा सकते हैं। और गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता होगा कि पॉल हेमन एक नंबर के चालू आदमी है, मैं कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। तो भाई लोग, मैं ब्रॉक लेसनर की साइड होकर रोमन रेंज को भी धोखा दे सकते हैं इस मैच में और ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप जितवा सकते हैं। तो भाई लोग, चलते हैं अपने नंबर दो सुपरस्टार की ओर, जो कि इस मैच में इंटरफेयर कर सकता है। तो भाई लोग, उस सुपरस्टार का नाम है थ्योरी। तो भाई लोग, थ्योरी इस मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं और वह अपना मनी इन द बैंक भी कैश इन कर सकते हैं। और क्या पता है कि इस मैच में वे अपनी पहली बार WWE चैंपियनशिप जीत जाएँ और इतिहास रच दें। अगर ये हो जाता है तो भाई लोग, एक बहुत बड़ा OMG मोमेंट होगा अब तक का इस साल का। तो भाई लोग, अब हम चलते हैं अपने नंबर एक सुपरस्टार की ओर, जो कि इस मैच में इंटरफेयर कर सकता है। तो भाई लोग, ये नाम आपने गैस भी नहीं करा होगा कि ये इस मैच में इंटरफेयर कर सकता है। तो भाई लोग, इस सुपरस्टार का नाम है द फीड। तो भाई लोग, द फीड इस मैच में अपना रिटर्न कर सकता है। बहुत से लीगर र्यूमर्स आ रहे हैं कि द फीड इस मैच में अपना रिटर्न करेंगे और रोमन रेंज के ऊपर हमला करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि रोमन रेंज ने द फीड को हराया था 2020 में, और जब वे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते थे। तो भाई लोग, ऐसा हो सकता है कि द फीड अपना रिटर्न करें और रोमन रेंज पर अपना बदला लें। तो भाई लोग, इसी वजह से रोमन रेंज ये मैच हार भी सकते हैं। और भाई लोग, अगर द फीड का रिटर्न हो जाता है तो भाई लोग, इस साल का सबसे बड़ा OMG मोमेंट होगा, क्योंकि फायर्ड होने के बाद WWE में वापसी करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई लोग, अगर ये होता है तो भाई लोग, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि फीड इस मैच में अपना रिटर्न करें, तो भाई लोग आप हमें कमेंट में करके बताइए। तो भाई लोग, जाने से पहले एक बात करूं, भाई लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।